और हम लोगों ने इस बारे में पूरी व्यवस्था की है कि उपचार की व्यवस्था और इसके प्रति जो भी आवश्यक सावधानियां होनी हैं बचाव के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पहले तय कर चुके हैं। जागरूकता के लिए हर ग्राम पंचायत में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर धार्मिक स्थल के बाहर हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर आदि चस्पा कर दिए हैं। लोग उस सावधानी को देखें। दिहाड़ी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए डेली ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा लगाने वालों के लिए, अन्य उन लोगों के लिए जिनके पास, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, अंत्योदय के कार्ड धारक हों, उन सब के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित जनपद हैं, पहले चरण में, जैसे आज जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज सफलतापूर्वक आम जन ने सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाया है, हम कल से, यानी ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा, 15 जनपद पहले चरण में, जहां पर कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। और इस दृष्टि से इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन यहां पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की PRB 112 के हमारे लगभग 3,000 फोर व्हीलर, 1,500 टू व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, PRB 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास 108 की 2,200 एम्बुलेंसेज हैं, 102 की 2,270 एम्बुलेंसेज हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 250 हैं। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरी इसलिए अपील होगी, एक पहले चरण में 15 जिले जो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी, हर प्रकार की पूरी तरह लोग बंद रखेंगे, 23 से 25 तक कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसके बारे में कल एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे। जिन जनपदों में, जहां पर खासतौर पर कल और आज में बड़ी मात्रा में मुंबई, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, उनमें जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, भदोही हैं, संत कबीर नगर, गोंडा, ये सभी जो जनपद हैं, इन सभी जनपदों में जो भी नागरिक हैं, जो बाहर से आए हैं, वहां के जिला प्रशासन से भी, और जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे इस बारे में कहूंगा कि वे अपने घरों में ही रहें, इधर उधर न जाएं, परिवार वालों से मिलने, उनके साथ बैठे ना, अलग रहें तो अच्छा रहेगा। प्रशासन भी उन लोगों की सूची लेकर के उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें।
जहां पर थोड़ी भी उन्हें संदेह होता है उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उपचार की व्यवस्था निःशुल्क प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही जो हमारे शेष नेपाल की सीमा से जुड़े हुए 6 जनपद हैं उन 6 जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत, इन सभी 6 जनपदों में भी, नेपाल से सटे हुए जनपदों में भी लोग सतर्कता बरतें। मेरी अपील होगी कि जो लोग नेपाल से या बाहर से कहीं से आए हैं वे पूरी तरह अपने घरों में ही रहें, घरों में भी परिवार के सदस्यों से दूर बैठ रहें और कहीं भी उन्हें कोई संदेह होता है तत्काल उसकी सूचना दें और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा, प्रत्येक के घर में टीम जाएगी, देखेगी, इन चीजों को करेगी। अगर किसी को कोई संदेह हो या कहीं पर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई आवश्यकता इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप पीआरबी 112 को संपर्क करेंगे या फिर अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, हमने डायल फ्री नंबर जारी किए हैं, इसके अलावा डायल 108 और 102 के साथ साथ हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हर जनपद में जनता की सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। 23 से 25 तक उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी सेवाएं एक तो बंद रहेंगी, साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कोई भी बस सेवा न नेपाल के लिए जाएगी, न बिहार के लिए, न झारखंड के लिए, न मध्य प्रदेश के लिए, न ही हम इसको राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली के लिए, कहीं के लिए भी नहीं होगी। यानी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी हमारी पूरी तरह बंद हो जाएगी। 25 तक हम इसको पूरी तरह बंद करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम अपना पूजा, धार्मिक या मजहबी कर्म जो भी हो अपने घरों में करें, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में एकत्र न हो। हमें पूजा, हवन या जो भी नमाज आदि जो भी करना हो अपने घरों में हम करें, एकांत में करें, अकेले करें, सामूहिक रूप से न करें। ये धार्मिक कर्मों को भी हम करने के लिए सावधानी बरतें और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन हर एक जनपद में, खासतौर पर जिन्हें पहले लॉकडाउन कर किया जा रहा है, इन्हें पूरी तरह सैनिटाइज करने की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। क्लीनिंग की कार्रवाई हमारी पिछले 3 दिन से अलग अलग जनपदों में निरंतर चल रही है, लेकिन यह 3 दिन जो हमें अतिरिक्त मिलेंगे हम पूरे जनपद को क्लीनिंग के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस दिशा हमें जनता के व्यापक हित में, प्रदेशवासियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने के हित में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश और देश के व्यापक हित में, प्रदेश की 23 करोड़ जनता, देश की 130 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए हम लोग तात्कालिक रूप से इन जो है जो तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं, इन तात्कालिक कदमों का समर्थन करेंगे, इनके साथ सहयोग करेंगे। ये मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से कोरोना वायरस के महामारी को, जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में प्रत्येक नागरिक से सपोर्ट करने, उनके समर्थन की अपील करते हुए अनुरोध करूंगा कि आज जो निर्णय प्रदेश सरकार को उठाने पड़ रहे हैं इनमें उनका समर्थन जनता कर्फ्यू की ही तर्ज पर प्राप्त होगा और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे बीमारी बढ़े या अनावश्यक रूप से ये बीमारी का फैला हो, संक्रमण को आगे बढ़ने में मदद मिले, ऐसा कोई भी कार्य न हो, ये मैं जरूर सबसे अपील करूंगा। हमारे
सारे चैनल्स पे लाइव था।